क्यों अहम है पीएम मोदी और बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक? दोनों देशों के बीच क्या है अहम समझौते? पीएम मोदी इस वक्त अमेरिका के राजकीय दौरे पर हैं। इस दौरान भारत और अमेरिका दोनों के लिए कई अहम बातें सामने निकल कर आई हैं। इसी बीच अमेरिका के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर गए पीएम मोदी ने शुक्रवार 23 जून को राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बात हुई, जिसके बाद दोनों ही नेता कुल 5 समझौतों पर आगे बढ़ने को राजी हुए हैं। दोनों ही दिग्गज नेताओं ने अपने संयुक्त संबोधन में रक्षा, आर्थिक सहयोग, इंटेलिजेंस ट्रांसफर, कृषि जैसे मुद्दों पर आगे बढ़ने की बात स्वीकारी। इन सब में से रक्षा क्षेत्र में दोनों नेताओं के बीच हुई डील बेहद अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे के साथ इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कुल 5 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे आने वाले दिनों में भारत अमेरिका एक दूसरे के अहम सहयोगी बन जाएंगे। आखिर क्या है वो 5 अहम समझौते? दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पहले समझौते में भारत में निर्मित स्वदेशी विमान तेजस के लिए सेकेंड जनरेशन GE-414 जेट इंजन के निर्माण पर दस्तखत किए हैं। इसके मुताबिक अमेरिका भारत की विमानन पार्ट उत्पादन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को तकनीकी ट्रांसफर करेगी और इन जेट इंजन के निर्माण में मदद करेगी। दूसरे समझौते के मुताबिक दोनों देश M777 लाइट होवित्जर तोपों को अपग्रेड करने पर काम करेंगे। इन तोपों का निर्माण कहां किया जाएगा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं तीसरे समझौते के मुताबिक दोनों देश स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों का साझा उत्पादन करेंगे, जिनमें से ज्यादातर का उत्पादन भारत में किए जाने की संभावना है। अब बात करते हैं चौथे समझौते की, जिसके मुताबिक अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन भारत को दिए जाएंगे, जिससे भारत की सुरक्षा एजेंसियां विभिन्न सैन्य ऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकेंगी। इन ड्रोन के उत्पादन का तकनीकी ट्रांसफर भारत को किया जाएगा। पांचवें समझौते के मुताबिक अमेरिका की दूर तक मार करने वाली बम मिसाइल का उत्पादन भी अब भारत में ही होगा। तो ये थे कुछ बेहद अहम समझौते जो भारत और अमेरिका के बीच हुए हैं। इसी के साथ पीएम मोदी की ये अमेरिका यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।